सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। मुझे पता है आप सभी बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे थे और मतलब वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आ रही है, उसके लिए सभी को दिल से सॉरी। और दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ मेरे दूसरे चैनल है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। एंड दोस्तों, अगर आपको गेमिंग देखना पसंद है, अगर आप गेम खेलते हो पबजी मोबाइल लाइट, एंड अगर आप लाइव देखते हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पे मैं लाइव करता हूँ एंड वहाँ पे लाइव खेलते हैं। अगर आपको भी खेलना है या फिर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड चैनल है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ पे हम बहुत ज्यादा मजे लेते हैं एंड बहुत ज्यादा फन करते हैं, तो उस चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, बात करें मेन वीडियो के बारे में, तो दोस्तों हम बात करने वाले ओप्पो E3S के एक अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है। एक अपडेट से रिलेटेड न्यूज है एंड यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिल रहा है। क्या कलर वाइज 6 आएगा या फिर नहीं आएगा, वो सारी बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों एक बार कॉमेंट करके कन्फर्म ये कर देना कि हाँ भाई आप चैनल पे मतलब वीडियोज को मिस कर रहे हो, तो कॉमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई हम आपकी वीडियोज को मिस कर रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे, बता देना मुझे कॉमेंट करके, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, हम बात करने वाले एक अपडेट के बारे में जो कि हमारे ओप्पो E3S के अंदर रिसीव हुआ है। उसके अलावा जितने भी आपके ओप्पो का डिवाइस है, ओप्पो E7, ओप्पो E5S, ओप्पो A5 जिसके अंदर कलर वाइज 5.2 है, उसके अंदर दोस्तों बहुत ही महीनों बाद हमें एक अपडेट देखने को मिला है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत महीनों से हमारे पास कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा था, चाहे वो सिक्योरिटी पैच का अपडेट था या फिर कोई न्यू वर्जन का अपडेट। बट यहाँ पे फाइनली जो हमारे दिसंबर का मंथ था, और दोस्तों आपको बता दूं, वैसे तो ये अपडेट दिसंबर का मंथ का सिक्योरिटी पैच का अपडेट है, बट ये दोस्तों बहुत लोगों को जनवरी में मिल रहा है या फिर किसी को दिसंबर में मिल चुका था या फिर 27-28 तारीख को दिसंबर में मिला था। तो दोस्तों मेरे पास तो ये अपडेट आ चुका है और आप देख ही सकते हो यहाँ पे MB 81.3 MB का अपडेट देखने को मिल जाता है, जिसे आप कर सकते हैं। अराउंड ये 100 MB के करीब में देखने को अपडेट मिल जाता है। और दोस्तों, इस अपडेट के अंदर क्या है वो भी आपको बताने वाला हूं, एंड कलर वाइज 6 के बारे में भी हम बात करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मैं आपको बताता हूं। एंड दोस्तों, एज यूजल हम सभी जानते हैं जो हमारे सिक्योरिटी पैच का अपडेट होता है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। उसके अंदर हमें क्या होता है, जो हमारे फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होती है उसे इनहेंस कर दी जाती है, मतलब उसे थोड़ी बढ़ा दी जाती है। उसके अंदर थोड़े बहुत जो बग्स होते हैं उन्हें फिक्स कर दिया जाता है, जो थोड़े छोटे ग्लिचेस होते हैं उन्हें फिक्स कर दिया जाता है। ये हमारे इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों, बात करें कलर वाइज 6 की, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लोग बोलते हैं कलर वाइज 6 कब आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, क्यों नहीं आ रहा और कब आएगा, है ना। तो वैसे भी हर बार का यही जो उनका ड्रामा है ओप्पो वालों का, भाई की देंगे हम देंगे, जैसे आने वाला रहेगा हम आपको बता देंगे। पर दोस्तों, यहाँ पे 1-1.5 साल हो चुके हैं बट यहाँ पे कोई भी न्यू वर्जन का अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यार, मैं तो आप सभी को यही कहूँगा, कलर वाइज 6 को अभी के लिए तो बिल्कुल भूल जाओ एंड इसे स्किप कर दो बिल्कुल, और जो भी आपका फोन में अपडेट आ रहा है वो करते जाओ। एंड गाइस, अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम होती है ओप्पो फोन के अंदर, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है, तो कॉमेंट करके जरूर बता देना, आपके कहने पर ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों, एक बार एक कॉमेंट और करके बताना कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बता देना। एंड गाइस, ये अपडेट है, आप जरूर कर लेना, जिसे नहीं मिला उसे मिल जाएगा, चेक करते रहना, फोन को रिबूट करके देख लेना, आपको ये अपडेट जरूर मिल जाएगा। एंड 81.3 MB का अपडेट है, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा अपडेट है। तो गाइस, सारे के सारे अपडेट करके रख लेना अपना फोन, ताकि जो भी न्यू वर्जन का अपडेट है वो आपको मिल सके। क्या पता कलर वाइज 6 भी आ सकता है ना, चांसेस तो लगते हैं बट अभी का तो कुछ पता नहीं है, बट हाँ आने वाले समय में आपको मिल सकता है। सो गाइस, जो वीडियो थी ये यहीं पे एंड करते हैं। शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। एंड गाइस, चैनल पे न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड टिल देन गुड बाय।